आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी की लेडी सिंघम के नाम से जानी जाने वाली महिला सब इंस्पेक्टर बीना राणा का अब एक नया रूप सामने आया है। कल तक ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को डंडा दिखाकर रोकने वाली ये महिला सब इंस्पेक्टर आज उन्हीं वाहन चालकों को नए साल पर फूल देकर जागरूक कर रही है। पिछले 6 महीने से रेवाड़ी की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जी जान से जुटी इस महिला सब इंस्पेक्टर ने अनेक अभियान चलाए, जिसके तहत वाहनों के चालान भी किए गए, लोगों में इसका असर भी देखने को मिला। और इसी कड़ी में आज नए साल पर सिटी ट्रैफिक इंचार्ज बीना राणा ने शहर के चौराहों पर बिना हेलमेट के चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों के अलावा बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चालकों को भी गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और उन्हें ट्रैफिक रूल समझाते हुए जागरूक किया। एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा केस बन सकते हैं, इसलिए मैम का कहना मानूंगी आगे से और बिना हेलमेट के बाहर निकलूंगी। मैडम का तरीका कैसा लगा आज फूल देकर? हाँ, मैम का तरीका बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर का और उनका कहना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने नए वर्ष के ऊपर जिन लोगों को समझाया है, पहले तो मैंने उन सभी क्षेत्र वासियों को मैं अपनी तरफ से बीना राणा की तरफ से सभी को नमस्कार करती हूँ और नया साल की का सभी देशवासियों का अच्छी तरह से नया साल बीते। और मैंने आज जो फूल देकर आपके आगे मैंने इन लोगों को बताया है जो बगैर सीट बेल्ट थे, ये बगैर हेलमेट थे, उनको ये बताया कि आज मैं नए वर्ष में आपको फूल देकर आपका स्वागत कर रही हूँ और आपको ये कह रही हूँ कि आगे से ऐसे अगर बगैर हेलमेट कल से कोई ऐसे चलेगा या कानून की उल्लंघना करेगा उसका मैं पूरी तरह उन